सोही का स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में। गाइस तुम लोगों की काफी सारी डिमांड थी कि भाई यहाँ पर एक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आओ, एंड यार यहाँ पर हमको ये भी बता देना कि भाई नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है और हमारा टायर क्या रहने वाला है। तो ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब यार यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है और कितनी तारीख को आएगा। तो यार यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो भाई, आरपी पे जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे यहाँ पर तुमको 17 तारीख दिखाई देगी। तो यार यहाँ पर एक दिन बाद ही आता है अपडेट, तो यहाँ पर 18 तारीख को कन्फर्म हमारा न्यू सीजन आ जाएगा। फिलहाल यार यहाँ पर बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर टू की कि भाई नेक्स्ट सीजन में हमारा टायर क्या रहने वाला है। तो यार यहाँ पर हम छोटे टायर से तो लेने वाले हैं नहीं, डायरेक्ट ही बात करते हैं अपने क्राउन से। अब अगर तो तुम लोगों ने इस सीजन क्राउन 5 या क्राउन 4 टच कर पाया तो भाई नेक्स्ट सीजन तुमको प्लेटिनम 5 ही देगा। अब अगर तो तुम लोगों ने इस सीजन क्राउन 3 या क्राउन 2 लगाया तो भाई तुमको नेक्स्ट सीजन प्लेटिनम 4 देगा। अब यार यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की जो कि भाई इस सीजन क्राउन 1 ही रिच कर पाए हैं, तो भाई उन लोगों को नेक्स्ट सीजन प्लेटिनम 3 देगा। अब यार यहाँ पर बात करते हैं थोड़े से हाई टायर के ऊपर, एस या फिर एस मास्टर की। तो देखो यार यहाँ पर अगर तुम लोगों ने भाई एस मास्टर तक लगा दिया तो भाई नेक्स्ट सीजन तुमको प्लेटिनम 2 ही देगा, ना कि 1। अगर तुम लोगों को प्लेटिनम 1 चाहिए तो भाई तुम लोगों को यार यहाँ पर 4800 से ज्यादा ही पॉइंट प्लस करने पड़ेंगे, जब जाकर तुमको प्लेटिनम 1 देगा। तो यार यहाँ पर आई होप सो तुम लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी होगी। अब यार यहाँ पर बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस वाले गेम की बात कर लेते हैं क्योंकि यार यहाँ पर इस वाले गेम की एंडिंग चली है। फिलहाल यार यहाँ पर अपने 7 किल हो चुके थे और मेरे को छोड़कर 2 बंदे और बचे थे, जिसमें कि यार यहाँ पर एक बंदा तो मेरे नीचे की तरफ था और एक बंदा सामने वाले सैक पर था और वो बंदे के पास में थी बीआरडीएम। अगर मेरे को उस बंदे को किल करना है तो भाई उसकी बीआरडीएम ही फोड़नी पड़ेगी। तो देखो यार यहाँ पर मेरे को नहीं पता ये बंदा भाई यहाँ पर करना क्या चाहता था, मतलब भाई इस बंदे को पता है कि मैं इसकी बीआरडीएम पे फायर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ये बंदा एग्जिट नहीं करता और ये बंदे को तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। मेरे को छोड़कर एक बंदा और बचा था और यार यहाँ पर वो बंदा जो था वो नीचे की तरफ था। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पर हेल्थ बैटल कर दूँ, फिर मैंने सोचा भाई यहाँ पर अपने पास में एमजी थ्री है तो लास्ट वाले बंदे पे रस्सी कर देते हैं। एंड यार यहाँ पर इस वाले गेम में भी इजीली चिकन निकाल लेते हैं। फिलहाल यार यहाँ पर इस वाले गेम से मेरे को काफी अच्छा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। अब यार यहाँ पर मैं तुम लोगों को जो टिप्स देने वाला हूँ ना, अगर तो तुम लोग उनको फॉलो करते हो तो भाई मैं 100% कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट सीजन तुम्हारा कॉन्करर हो ही जाएगा। अब यार यहाँ पर सबसे पहले तो चलते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की तरफ। तो देखो अगर तुम्हारे पास में लो एंड डिवाइस है तो भाई तुम लोगों को जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से करना सीजन के एंड तक करना, और भाई हो सके तो भाई जोन के बाहर खेलने का ट्राई करना, क्योंकि यार यहाँ पर अगर तुम लोग 3 जोन बाहर खेलते हो और छोटे सर्कल में एंट्री लेते हो तो भाई तुम्हारे वहाँ पर बहुत कम चांस हो जाते हैं कि भाई वहाँ पर तुम्हारा माइनस लगेगा। एंड भाई अगर तो तुम लोग सीजन के शुरुआत में कॉन्करर करना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा एंड तुम्हारा कॉन्करर तो हो ही जाएगा। फिलहाल यार यहाँ पर बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की। इस वाले पॉइंट में यहाँ पर काफी सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यहाँ पर नॉर्मल ही रैंगल खेलें या फिर इवेंट वाला ही रैंगल खेलें या फिर अदर कोई मैप खेलें। तो यार यहाँ पर जैसा कि तुमको पता ही है भाई, हार्ड लॉबी आती है तो ज्यादा प्लस मिलता है और नॉर्मल लॉबी आती है तो उसमें बहुत कम प्लस मिलता है। तो भाई यहाँ पर ज्यादातर बंदे भाई इवेंट वाले खेलते हैं और इरेंगल ही खेलते हैं, तो भाई वहाँ पर हार्ड लॉबी आती है तो उसमें ज्यादा प्लस ही मिलता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि भाई तुम लोग इवेंट वाला इरेंगल ही खेलना। अभी के लिए यहाँ पर बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो यार यहाँ पर काफी सारे लोग भाई नेड मॉली वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो भाई हो सके तो भाई यहाँ पर 4 नेड और 2-3 मॉली उठा लेना, और भाई स्मोक का भी यहाँ पर काफी सारा यूज करना होता है।
अब अगर तो तुम लोग भाई थ्रो बल्स का सही तरीके से यूज करोगे तो भाई तुम लोगों को चिकन निकालने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि भाई लास्ट के सर्कल में थ्रो बल्स से ही फाइट लेनी होती है। और भाई यहाँ पर स्मोक का भी काफी सही तरीके से यूज करना होता है। इमेजिन करो यार, यहाँ पर तुम लोग सर्कल के बाहर हो और भाई नेक्स्ट सर्कल तुमसे शिफ्ट हो गया, तो भाई वहाँ पर तुम लोग स्मोक करके इजिली सर्कल में जा सकते हो। और भाई अगर तुम्हारे पास में स्मोक नहीं है तो भाई तुम्हारे बचने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो यार यहाँ पर मैं सिर्फ तुम लोगों को एक ही एडवाइस दे सकता हूँ भाई, हो सके तो भाई जितने ज़्यादा थ्रो बल्स तुम लोग कैरी कर सकते हो उतने ज़्यादा करने का ट्राई करना। बाकी तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब यार यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आता है कि भाई यहाँ पर अपने टायर प्रोटेक्शन को सही तरीके से कैसे यूज करें। तो देखो भाई यहाँ पर मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा, जब तक भाई तुम लोग क्राउन 5 पे नहीं पहुँचते हो भाई जब तक तो उनको लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब यार वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगी भाई एज के बाद भाई टायर प्रोटेक्शन का कोई काम होता नहीं है, तो भाई उनका यूज जरूर कर लेना। काफी सारे लोग भाई भूल जाते हैं तो उनका यूज जरूर कर ही लेना। अब यार यहाँ पर बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। तो देखो यार यहाँ पर अगर तुम लास्ट के सर्कल में हो और तुम्हारे पास में काफी सारी हेल्थ वगैरह है, फर्स्ट एड भी काफी सारी है, तो यार यहाँ पर मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा भाई, फाइट को इग्नोर करना और हो सके तो भाई तुम लोग हेल्थ बैटल करने का ट्राई करना। अब अगर तो तुम लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है लाइक भी कर देना। बाकी तो बढ़ते अपने गेम प्ले की तरफ। अब यार यहाँ पर मेरे को छोड़कर दो बंदे और बचे थे, जिसमें कि यार यहाँ पर एक बंदा मेरे को सामने साइड में स्पॉट होता है जो कि भाई बग्गी लेकर रोटेशन दे रहा होता है। तो देखो यहाँ पर मैं इस बग्गी वाले बंदे को भाई काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट यार यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक बंदा मेरे पे फायर लेने लग जाता है, तो भाई यहाँ पर अपनी भी सेफ्टी करनी जरूरी थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में स्मोक करता हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर सामने वाले बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पर ये बंदा जो था भाई, यहाँ पर इस बंदे के पास में सर्कल था नहीं और इस बंदे को सर्कल में आना ही था, तो जैसे ये बंदा सर्कल में आने की ट्राई कर रहा था इस बंदे को भी यहाँ पर हम किल कर देते हैं। फिलहाल तो यार यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन बची होती है और भाई लकीली यार यहाँ पर एंड का सर्कल भी अपना ही साथ देता है। तो देखो इस वाले बंदे को भी किस तरीके से किल करते हैं फिर। एंड यार यहाँ पर ये बंदा जैसे सर्कल में आने की ट्राई करता है इस वाले भाई को भी यहाँ पर हम इजीली किल कर देते हैं। फिलहाल तो बस यही था आज वाली वीडियो में, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। और इस सीजन तो भाई अपन हैशटैग #1 जरूर करेंगे, तो भाई देखना जरूर वीडियो सभी लोग। तो बाय।